नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से डीजे गुरुजी में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैंने अपने चैनल के ऊपर दो वीडियोज़ बना रखी हैं डीजे के स्पेयर पार्ट्स के ऊपर, जो कि मैंने वीडियो बनाए थे गौरव इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। तो आज मैं आपके लिए तीसरी वीडियो बना रहा हूँ वहीं पर ही, बट आज की वीडियो में आप सभी को एक 18 इंची 1000 वॉट का स्पीकर का स्पेयर पार्ट्स दिखाने वाला हूँ कॉस्टिंग के साथ। साथ ही साथ स्पीकर बनाने का पैटर्न भी बताऊंगा किस तरह से स्पीकर आप बना सकते हैं। तो जो कॉस्टिंग आती है वो टोटल आपको मिलेगा 4000 रुपये के अंदर, मतलब 4000 रुपये के अंदर आपको 1000 वॉट 18 इंची का स्पीकर, हैंडमेड स्पीकर आप बना सकते हैं। कॉस्टिंग प्रॉपर जो है वो है 3950 रुपये, सब कुछ इंक्लूडेड है। मैं आपको वीडियो में पूरा बारी बारी सारी चीज़ें बताऊंगा, सारे स्पेयर पार्ट्स दिखाऊंगा उनकी कॉस्ट के साथ। और दोस्तों साथ ही साथ आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप लोगों को कोई स्पेयर पार्ट चाहिए होता है, आप लोग कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं यहाँ पे, तो उसका सलूशन मैंने इसी वीडियो में निकाल दिया है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखेगा, आपको डेफिनेटली इस वीडियो के बाद आपका उसका सलूशन मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने वीडियो में कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि जो इनका मटेरियल है, माल है, वो किस तरह दूसरे माल से, जो दूसरे मटेरियल होते हैं उनसे किस तरह से अलग है और अच्छा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्पेयर पार्ट्स को जानना और इसको स्पीकर को रेडी करने का प्रोसेस देखते हैं किस तरह से रेडी हो जाता है। उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें डीजे गुरु यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले, ये बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले मैं जो मैग्नेट किटों से तैयार करवा लेता हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जो हमारे स्पीकर का मॉडल है चैलेंजर सीरीज़ का है, मॉडल नंबर 2242। तो ये उसकी मैग्नेट की किट है, इसको अभी हम इस ग्लू सोल्यूशन से चिपकाएंगे। इसको जो ये सोल्यूशन है ये हम इसको बोलते हैं ए और बी ग्लू। तो भैया इसको आप स्टार्ट कीजिए फिक्स करना। तो ये हमने ग्लू लगा दी, इसके ऊपर अभी हमें मैग्नेट लगा देंगे। अभी जो मैग्नेट है चार्ज नहीं है, लगाइए भैया। इसी तरह हम ऊपर लगाएंगे। और ये हम इसको ऊपर रख देंगे। इस तरह करने से सोल्यूशन है सब जगह फैल जाता है। और इससे हम इसको सेट कर देंगे। अभी थोड़ा टाइम लगेगा हमारा जो ये किट हुआ है इसको सूखने के लिए। इतने में आपको जो इसके सारे पार्ट्स हैं स्पीकर को बनाने के वो और दिखा देता हूँ। तो अब मैं आप सभी को एक एक करके पहले जो जितने भी पार्ट्स हैं उनके प्राइस बता देता हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले हमारा फ्रेम आ गया, ये आप लोग फ्रेम देख सकते हैं, ये आपको पड़ेगा 1050 रुपये का। फ्रेम के बाद हमारे रहते हैं मैग्नेट किट, आप लोग ये देख सकते हैं, इसका हमारा रेट है 1400 रुपये। और आगे हमारा रहता है कोन, जो हमारी कोन है स्पीकर के लिए 1000 वॉट के लिए 18 इंची की, इस कोन का हमारा प्राइस है 250 रुपये। आगे वॉइस कॉइल, आप लोग वॉइस कॉइल को देख सकते हैं, फ्लैट वायर के अंदर है वॉइस कॉइल, 4 इंच की वॉइस कॉइल है, और जो इसका रेट है हमारा 800 रुपये है, जिसको हम बोल सकते हैं जो इसका मॉडल है 99.3 mm का है। आगे हमारा आता है स्पाइडर, इसके अंदर अभी हम दो स्पाइडर लगाएंगे, वैसे एक स्पाइडर से भी स्पीकर बन जाता है। एक स्पाइडर का जो रेट है वो 20 रुपये है। अगर आप लोग इंपोर्टेड ग्लू वाले स्पाइडर लगाना चाहते हैं तो उसका रेट आपको 200 रुपये का पड़ जाता है। आगे हमारी आ गई डस्ट कैप, जो हमारी डस्ट कैप का प्राइस है ये 20 रुपये है। और इसके ऊपर हमारी एक एल्यूमिनियम रिंग लगती है फ्रेम के ऊपर, जिसका हमारा रेट आ जाता है 100 रुपये। अभी मैं आपको ये पूरा स्पीकर बना के दिखाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा ये कहाँ पे यूज़ होगा। साथ में हमारे पूरे स्पीकर के लिए जितने भी हमारी फोम रिंग होगी जो यहाँ पे लगेगी, उसका जो हमारा रेट है वो 20 रुपये है। ये रही इसकी फोम रिंग्स। इसके हमारे टर्मिनल्स हो गए, जो आपको पेयर मिल जाता है 40 रुपये का, आप लोग ये देख सकते हैं, एक आपको रेड मिलेगी एक ब्लैक मिलेगी, 40 रुपये का आपको ये पेयर मिल जाएगा। आगे हमारा आ गया सोल्यूशन, जिससे हम इस स्पीकर को पूरा रेडी करेंगे या इसको चिपकाएंगे। एक हमारा हेक्सन सोल्यूशन होता है, इसका जो हमारा रेट है वो है 50 रुपये। एक हमारा बॉन्ड टाइट होता है, ये आपको पता ही होगा, इसका रेट है हमारा 140 रुपये। और जो हमारे स्क्रूज़ हैं फ्रेम को और मैग्नेट को अटैच करने के लिए, वो आपको 20 रुपये के आसपास के मिल जाएंगे। और साथ में हमारे हो गए जो टर्मिनल के वायर होते हैं लगाने के लिए, वो मैं भी आपको आगे दिखाता हूँ। तो अभी दोस्तों चलते और स्पीकर को पूरा रेडी करके देखते हैं। तो अभी जो ये हमारी मैग्नेट है ये चार्ज नहीं है, मैं पहले सबसे पहले इसको चार्ज करवा लेता हूँ। भैया मैग्नेट को चार्ज करिए। तो यहाँ पे हमने मैग्नेट की जो मशीन है इसके अंदर रख दिया है,
चार्जिंग मशीन के अंदर, और यहाँ से ये बटन हमने दबा दिया। अब जैसे ये बटन दब जाता है, कुछ सेकंड के अंदर ये पूरी मैग्नेट जो है चार्ज हो जाती है। तो दोस्तों अब जब भी यहाँ पे कोई सामान ले लेंगे तो ये भैया आपको यहाँ पे मिलेंगे, और अभी हमें स्पीकर को बताएंगे किस तरह से रेडी होगा ये। तो भैया चलिए आप स्टार्ट कीजिए बताना। ये हमारी किट होती है, ये मैग्नेट किट हो गई, इसके ऊपर हमारी ये बास्केट आ जाएगी, आगे फ्रेम या बास्केट आ गई होती है, ये एल्यूमिनियम की है। हाँ जी ठीक है। इसके ऊपर हमारे स्क्रू लगेंगे, ये स्क्रू लग जाएंगे, ये सेट हो जाएगी चेसी किट और चेसी के अंदर। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जितने भी स्पीकर के फ्रेम मिलेंगे एकदम जेन्युइन वेट के मिलेंगे, और जितना भी मटेरियल यूज होगा इनको बनाने के लिए वो कार्बन फ्री मटेरियल होगा। उसके बाद में हमारा ये हेक्सा बॉन्ड होता है, हेक्सा बॉन्ड हो गया। हाँ, ये स्पाइडर के यूज के लिए काम आता है। अच्छा, स्पाइडर को यहाँ से पहले इसके नीचे इसके हेल्प से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पहले इसके अंदर ये पेस्ट लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, पेस्ट लगाने के बाद में ये स्पाइडर लगाया जाएगा, ये इसके ऊपर स्पाइडर लग जाएगा ऐसे करके। ठीक है, फिर उसके बाद में ये दूसरा रिंग आएगा। ये ऊपर एल्यूमिनियम रिंग आ गया, इसको यहाँ चिपका दिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में ऐसे ही इसको दोबारा से पेस्ट करा जाएगा स्पाइडर को। ठीक है, फिर इसके बाद में ये वाला स्पाइडर, फिर इसके अब दूसरा स्पाइडर आ जाएगा, स्पाइडर आएगा ये सेट हो जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, इसके बाद में ये क्वाइल आती है, ये फ्लैट वायर होती है, 80 mm लंबी हाइट होती है और 99.3 mm हमारी इसका पूरा डायमीटर होता है। हाँ। ठीक है, इसको यहाँ पे आ जाएगा करके यहाँ से अंदर चली जाएगी, ये यहाँ सेट हो जाएगी। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था, जो हमारे इसका मटेरियल है बिल्कुल कार्बन फ्री है। डिफरेंस आपने देखा होगा जो इंडियन स्पीकर्स होते हैं उनमें इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे लो क्वालिटी के फ्रेम्स वगैरह और ये सब और मैग्नेट यूज़ करी जाती है। यहाँ पे जो आपको मैग्नेट है और ये फ्रेम है ये एकदम कार्बन फ्री मटेरियल है, जिससे आपका साउंड में डिफरेंस नहीं आएगा, काफ़ी अच्छा साउंड इसमें प्रोड्यूस होगा। अब इसके ऊपर हमारे कॉइल के बाद आ गई है कोन, कोन आती है ये हमारी। ठीक है भैया, ये वाटर प्रूफ होती है, 122 नंबर कोन है। 122 नंबर है, वाटर प्रूफ है। ठीक है, ये इसके ऊपर ऐसे ये करके ही पेस्ट होके ये ऐसे करके लग जाएगी। ठीक है भैया, ठीक है। फिर इसके बाद में ये आएगा हमारा रिंग, ये हमारी आ गई फोम रिंग है, ये इसके ऊपर लगाया जाता है बास्केट के ऊपर, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं बास्केट के ऊपर लगाया जाता है, ये 8 पीस के अंदर होता है। ये 8 टुकड़े होते हैं, 8 टुकड़े ऐसे करके इनको पेस्ट हम किससे कर देंगे, बॉन्ड टाइट से, बॉन्ड टाइट या हेक्सा बॉन्ड से। अच्छा हेक्सा बॉन्ड से, ठीक है। ये इससे पेस्ट हो जाएगा, ये लग गया ऐसे करके लगा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये कैप लगा देते हैं, तो डस्ट कैप है वो हमारी ऊपर आ जाएगी, ये कैप है और ये इसकी लीड है। हम इसको यहाँ से छेद करेंगे, यहाँ पे होल्स हो जाएंगे टर्मिनल्स के लिए, वायर निकालने के लिए, वायर निकालने के लिए। ठीक है, हमारी ये इसकी जो ये वायर आएगी क्वाइल की, ये इससे अटैच हो जाएगी, और होल करने के बाद हम ऊपर डस्ट कैप लगा देंगे। हाँ, होल करने के बाद फिर इसको यहाँ पे ये लगाया जाएगा। ठीक है, लगाने के बाद इसको पेस्ट करा जाएगा यहाँ पे। हाँ, ये बोन टाइट से पेस्ट होगा। ठीक है, हल्का हल्का, फिर उसके बाद में यहाँ से पेस्ट होने के बाद में ये वायर हमारी पीछे निकल जाती है यहाँ पे आपकी, जहाँ पे इसके हमारे टर्मिनल्स होंगे, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, ये रहा ये रहा, ये वायर हमारी यहाँ से छेद होकर यहाँ निकली आएगी। उसके बाद हमारे ये टर्मिनल आते हैं, जो मैंने आपको टर्मिनल्स दिखाए हैं, ये पुश बटन वाले टर्मिनल्स हैं। ये हमारे ऐसा करके खोल के, ये पहले ये नीचे से इसमें एक वही डाला जाएगा फाइबर, ये इसको यहाँ से लगा के सेट करा जाएगा। फिर इसके ऊपर से ये ब्लैक वायर सेल होती है हमारी, ये इसके ऊपर से डाली जाती है। ठीक है भैया, और इसके ऊपर से ये हमारी पत्ती होती है, ये ब्रास की होती है, ब्रास की। फिर ये इसके ऊपर लगाई जाएगी। फिर उसके बाद में ये नट आता है इसका हमारा, ये नट इसके ऊपर से कसा जाएगा। ठीक है भैया, ब्लैक में ब्लैक, रेड में रेड, जो वायर्स होते हैं आपके दो कलर की वायर होंगी और उनके टर्मिनल के हिसाब से वो वहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता दूं, जितने भी यहाँ पे फ्रेम है और मैग्नेट है, जो उनका थिकनेस है, जो गेज है, वो एकदम परफेक्ट होगी। लोग मार्केट में क्या करते हैं, थिकनेस और गेज को कम कर देते हैं और साइज को कम कर देते हैं ताकि उनका वेट हल्का हो जाए। यहाँ पे आपको जो भी क्वालिटी मिलेगी काफी अच्छी मिलेगी, रेट में इसलिए आपको देखने में थोड़ा डिफरेंस मिल सकता है। अब ऊपर से हमारे डस्ट कैप लग जाएगा, उसके बाद में ये कैप आती है हमारी, इसको इसी से ही पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको पेस्ट करने के बाद में इसको यहाँ से इसके ऊपर रखना है,
ठीक है। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि आपका किस तरह से 18 इंची 1000 वाट का जो स्पीकर है वो 4000 रुपये के अंदर अंदर तैयार हो जाता है। तो हाँ जी दोस्तों, वीडियो आप सभी को कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। जब आप कमेंट करते हो ना, मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप सभी के लिए इसी तरह के वीडियोस बनाऊं। अब थोड़ी आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों आप सभी की प्रॉब्लम्स होती है कि आपको कुछ स्पेयर पार्ट चाहिए होते हैं बट यहाँ पे जो आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हो, या फिर वो कुछ कम पार्ट्स होते हैं इसलिए जो यहाँ का डीलर है वो आपको भेज नहीं पाता। तो इसका सलूशन मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ। सपोज़ आपको 400 वाट का स्पीकर चाहिए, तो 400 वाट के स्पीकर के जितना भी पार्ट होगा, चाहे आपको वो एक स्पीकर चाहिए हो चाहे दो स्पीकर चाहिए हो, आप लोग मेरे से कांटेक्ट करेंगे। मेरे को आप बताएंगे कि भाई मेरे को 400 वाट का स्पीकर बनाना है, आप मेरे को बता दोगे कितने इसकी कॉस्टिंग आ जाएगी पार्ट्स की, और मेरे को कितने में पूरा जो स्पीकर है रेडी हो जाएगा। मतलब रेडी करके नहीं दूंगा, मैं आपको उसके पार्ट्स भेज दूंगा यहाँ से पैक करवा के। तो मेरी जिम्मेदारी क्या होगी कि मैं यहाँ से आपके लिए जो सारे पार्ट्स हैं उसको पैक करवा के आप तक कुरियर करवा दूंगा। अब इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले आप सभी को मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना होगा। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं और साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। अगर आप लोगों को सीरियसली यार खरीदना है तो प्लीज़ मेरे को कॉन्टैक्ट करो, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे मैसेज आते हैं खाली इंक्वायरी के लिए, फिर वो कुछ खरीदते भी नहीं है, मेरा भी टाइम वेस्ट होता है और आप अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसीलिए जो सीरियस बायर्स हैं वो मेरे को इंस्टाग्राम तक आइए, मेरे को मैसेज कीजिए, वहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा, पूरा प्रोसेस बताऊँगा कि आप लोग इसको किस तरह से खरीद सकते हैं। एक चीज़ और, पेमेंट आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी, चाहे वो आप उसको पेटीएम से कर सकते हैं, चाहे तो आप मेरे को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कुरियर चार्ज आपको देना पड़ेगा, मैं आपको पूरा बता दूंगा आपकी स्पेयर पार्ट की कॉस्ट कितनी है, पैकिंग कॉस्ट कितनी है, साथ ही साथ जो कुरियर चार्ज है वो कितना है। ये टोटल मनी आप लोग मेरे को ट्रांसफ़र करेंगे तब मैं यहाँ से आपका माल जो पैक करके डिस्पैच करवा दूंगा। दोस्तों मिनिमम ध्यान रखिएगा, अगर आपको कम से कम एक स्पीकर में पार्ट चाहिए, अगर वो 1000 से कम में आ रहा है तो प्लीज़ अपना ऑर्डर 1000 से ज़्यादा में रखिएगा ताकि मैं यहाँ से उसको डिलीवर करवा सकूँ। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था, बाकी और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ। दोस्तों या फिर आप लोग दिल्ली आके खुद सामान को परचेस करना चाहते हैं, चाहे वो होलसेल हो चाहे वो रिटेल हो, तो उसके लिए मैंने आप सभी को जो एड्रेस है वो स्क्रीन के ऊपर दे दिया है और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और दोस्तों अगर आप लोग मेरी दो पुरानी वीडियोस को जो मैंने यहाँ पे बनाई थी वो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में मैंने उनका भी लिंक दे दिया है। तो दोस्तों मैं आप सभी से मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और जय हिंद, वंदे मातरम।